नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं निशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। सेंसेक्स 56,188 पर पहुंचा, बना ऊंचाई का नया रिकॉर्ड। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 37,593 नए मामले आए सामने, 648 मरीजों की हुई मौत। शेयर बाजार में तेजी, 56,000 के पार खुला सेंसेक्स। नासिक पुलिस ने नारायण राणे को भेजा नोटिस, 2 सितंबर को थाने में हाजिर होने को कहा। अफगानिस्तान से मंगलवार भारत आए 78 लोगों में से 16 लोग कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 27 नए मरीज आए सामने, कुल आंकड़ा 103 हुआ। शहर के कपिलनगर थाना अंतर्गत हुई हत्या, मंगलवार की रात हुई हत्या की वारदात। डिफेंस सेक्टर में भी भारत आत्मनिर्भर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मल्टीमोड हैंड ग्रेनेड को भारतीय सेना को सौंपा। मंचले पड़ोसी से परेशान, पुलिस में दर्ज कराया मामला, कैमरा से ताकता था महिला को, हुरकेश्वर पुलिस थाना अंतर्गत का मामला। रजिस्ट्रेशन के नाम पर छात्रों से वसूली, 100-100 रुपए फीस वसूल रहा जीएस कॉलेज। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।